वेलकम बैक। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम देखेंगे हम यूजर से इनपुट कैसे लें और उसको वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कैसे करवाएं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, क्योंकि आपको तभी पाइथन की प्रिंट स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स, इन सब के बारे में पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कैसे बनाना है, जब हम F5 दबाएंगे रन करने के, तो यहाँ पर देखिए आप आए आ जाएंगे। तो अगर हमें इनपुट लेना है किसी यूजर से तो हम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हमें लिखना है इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट। अगर आपको यूजर से कुछ बोलना है जैसे कि एंटर अ नंबर आपको लिखना है तो एंटर अ नंबर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये हमने इनपुट ले लिया, इससे जो है कंप्यूटर पूछेगा कि आपको इनपुट में क्या देना है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट पी और फिर प्लस F5, तो एंटर नंबर। अब हमें कोई भी नंबर एंटर करना है, जैसे 67 कर दिया, देखिए यहाँ पर 67 लिखा गया। अगर अब मुझे दोबारा से कोई नंबर एंटर करना है जैसे 7 8 9 0 7 8 0 6 7, तो वही नंबर प्रिंट हो जाएगा। और अगर मुझे नंबर की जगह एंटर अ लेटर, तो फिर कंट्रोल एस F5, ये लेटर पूछेगा। हम इसमें नंबर भी डाल सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हमने लेटर लिखा है तो हमें लेटर भी डालना चाहिए। जैसे कि मैंने डाल दिया पार्थ या फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये नीट एंड क्लीन नहीं आ रहा है, ये एकदम इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके बीच में गैप नहीं है। तो वो क्यों नहीं है कि हमने यहाँ पर इसको गैप देने के लिए बोला ही नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको गैप देने के लिए बोल देते हैं ताकि एकदम अच्छे से लगे। तो हमने इनपुट लेना सीख लिया। अब इनपुट को जैसे हमने दो इनपुट ले लिए, ठीक है। अब ऊपर भी हम नंबर ही करते हैं, तो अभी ये नंबर ले लेगा दोनों से। और अब मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर जो है ये उन दोनों नंबर्स को प्लस करके हमें आंसर दे, तो एंटर। अब ये कैसे होगा, पहले आप अपना खुद का थोड़ा दिमाग लगाएं और वीडियो को पॉज करके ट्राई करें इसको। तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसकी जो कि इक्वल होगा वी प्लस ए। अब पी की वैल्यू जो है वो पी प्लस ए है। अब प्रिंट पी की जगह हम इसको पी कर देते हैं ताकि वो समान। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक लाइन के बाद कॉमा भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द सम इज पी, ठीक है। तो कंट्रोल एस F5। अब द सम ने 5 दे दिया, हमने यहाँ पर 6 दे दिया, आंसर क्या आना चाहिए 11। अभी यहाँ पर 56 क्यों आया आंसर, आप पहले खुद सोचें और देखें। यहाँ पर आंसर 56 इसलिए आया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, 56 इसलिए आया है क्योंकि
इसने 5 और 6 को आगे आगे ऐड कर दिया है, मतलब उन दोनों को कंबाइन करके ऐड नहीं किया, इसने बस उनको प्रिंट कर दिया। द सम इज 5 6। तो ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा डाटा या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कह सकते हैं हम पाइथन में क्या होते हैं। तो पहली होती है इंटीजर, दूसरी होती है स्ट्रिंग। और इंटीजर से आपको पता चल गया होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, एग्जांपल जैसे ले लो 1.56, सारे नंबर्स इंटीजर होते हैं। इंटीजर मैंने आप बता दिए नंबर्स, इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर्स, आप डेसिमल में नहीं दे सकते। अगर आपको डेसिमल में देना है तो आपको फ्लोट होता है डेसिमल के लिए, FLOAT, ठीक है। तो इंटीजर होता है होल नंबर्स के लिए, फ्लोट होता है जैसे 1.6, 5.4, ऐसे ये फ्लोट होते हैं। और स्ट्रिंग जो होता है वो अल्फाबेट्स होते हैं, कोई भी अल्फाबेट्स जैसे कि पी या फिर प्रनाम PARTH या फिर अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रिंग होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर है वो इनपुट को स्ट्रिंग मानता है और उसने बस स्ट्रिंग, जब हम स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसकी जगह इसको डिलीट यहाँ पर हमने लिखा बाय, जो कि होगा उसके अंदर पार्ट, सेव किया, रन किया, तो आ जाएगा द सम इज हाई पार्ट। इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर ये हटाया नहीं था। अब इसको रन करके सेव करके रन किया तो लिखा आ गया हाई पार्ट। तो कंप्यूटर जो है जब स्ट्रिंग्स को प्लस करता है तो वो उनको कंबाइन, मतलब उनको एक्चुअली में प्लस नहीं करता है, वो बस से वो ऐसे लिख देगा बी और ए, प्लस का मतलब उसके लिए बस आगे लिख दो, ये उसका कंप्यूटर के लिए स्ट्रिंग को प्लस करने का मतलब है। तो अभी मैंने वो आपको लिख के दिखाया था इनपुट कैसे लेते हैं, तो अब दोबारा से इनपुट ब्रैकेट्स और 6 हमने नंबर डाले थे और वो उन दोनों को बस आमने सामने उसने प्रिंट कर दिया था, मतलब वो ऐसे ही उसने असली में प्लस किया, तो इसलिए क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इन दोनों को स्ट्रिंग है, हमें इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इन, पूरा इंटीजर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज, तो हमें लास्ट में एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये याद रखना, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है एक तरफ भी, अगर जैसे आपने यहाँ लगा दिया और यहाँ लगाना भूल गए तो ये आपको एरर दिखा देगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से इंट ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट, ठीक है। अब ये दोनों इंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो जैसे हमने पिछली बार 5 और 6 लिया तो इस बार भी लेंगे 5 6, आंसर 11, 5 और 6 11 ही होगा। तो इस बार इसने काम, ये सही काम करा। तो अब हम इसको दोबारा से रन करके दूसरे नंबर डालते हैं, जैसे कि 56 और 78। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 प्लस 8 14 होता है, तो यहाँ पर 4 आ गया ऊपर एक कैरी, 5 प्लस 7 होता है
आपको पता ही होगा 12 होता है, तो 12 था और 1 कैरी तो वो 13 बन गया, 1 3 4। तो इससे पता चलता है कि ये कैलकुलेशन सही हुई है। अब आप इसको बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको खुद नहीं आती है। जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस करा है, प्लस की जगह हम इसको इंटू कर देते हैं। इंटू के लिए आपको एक्स नहीं लिखना है, कहीं आप ऐसे एक्स लिख दो मेरी तरह, एक्स नहीं लिखना है। आप अपने कीबोर्ड पे 8 के ऊपर देखेंगे तो एक हाथ दिखेगा, आपको वो प्रिंट वो लगाना है, शिफ्ट और 8, तो ये स्टार आ जाएगा ऐसा, ये देख सकते हैं। तो अब ये इन दोनों नंबर्स को इंटू कर देगा। इसको हम सेव करके रन करते हैं। इंटर नंबर 5 × 5 × 5, तो ये एकदम सही आया। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं, हम इस बार कोई बड़ा नंबर लेंगे जो कि हमें खुद नहीं आता। तो 5 और जैसे हमने ले लिया 56 और यहाँ पर हमने ले लिया 5 या फिर 4 ले लिया, 2 ले लिया, तो 112, 56 × 2 112 होता है। ऐसे हम कोई कितना भी बड़ा नंबर दे सकते हैं, जैसे कि आपने इसको दोबारा से रन करके यहाँ पर दे दिया 3 4 5 6 7 8 9 0। और सिर्फ इंटू ही नहीं, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ में आपके कीबोर्ड के राइट की तरफ जो शिफ्ट होता है उसके साथ में आपको स्लैश दिखेगा, ये वाला बैक स्लैश, तो इसको आपको लगाना है और सेव करके रन करना है। तो अभी 4 / 2 आया, और ये 0.0 क्यों आया, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता है। फ्लोट मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो एक और बार रन करके हम इसमें अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कराते हैं। जैसे कि हमने 5 / 2, तो ऐसे ही हम इसमें माइनस भी कर सकते हैं। माइनस के लिए कंट्रोल एस 5 45, एंटर 30, आंसर 15 आना चाहिए, देखते हैं। फिर हमने ये कोड भी चला कर देख लिया है। अब हम अपना खुद का कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, मतलब ये तो नॉर्मल सिर्फ एक कैलकुलेशन करता है, तो ऐसे ही हम और कोड सीखते हैं, इसके आगे और कोड लिख के हम कैलकुलेटर बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आप कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा, पहले मैं आपको लूप्स के बारे में सिखाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।